नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। ईएमआरएस लैब अटेंडेंट में कितने पद हैं, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या सैलरी होगी, सिलेबस क्या होगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, इन सब के बारे में जो आपके प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आज आपके इस वीडियो में दे दूंगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं तो आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इस समस्या का समाधान कर दीजिए। तो जो बच्चे लैब अटेंडेंट की तैयारी करना चाहते हैं, टीम परीक्षा प्लस इसका कोर्स चला रही है और ये कोर्स जो है आपका जो 599 कितने का 592 592 प्लस जीएसटी है, मतलब ऑलमोस्ट आपका 699 में है। 699 में ये पूरा फुल कोर्स है। इस कोर्स में आपको वीडियो क्लासेस, ठीक है, वीडियो क्लास आपको मिलेगा, प्लस आपको पूरा का पूरा नोट्स मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में। ये सब चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी और क्लासेस आपके अकॉर्डिंग टू द पूरा सिलेबस, जितना आपके लैब अटेंडेंट में पूरा मैनुअल जो आपका होता है एक तरह से लैब वाला, वो पूरा यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो जिन लोगों को लैब अटेंडेंट का कोर्स लेना है, आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से और वहां से आप ये इस कोर्स को ले सकते हैं। इसकी क्लासेस जो हैं आपकी मंडे से पूर्ण रूप से चालू हो जाएंगी, आपको शेड्यूल जो है संडे को दे दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्या सैलरी रहेगी आपका और इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। 373 पोस्ट है, ठीक है, ठीक ठाक पोस्ट है। बाकी जगह किसी विद्यालय में अगर ये आती है भर्ती तो इसमें इतने पोस्ट नहीं आते। पहली दफा लैब अटेंडेंट में काम क्या होता है आपका वर्क जान लो। जैसे आप सभी लोग 10th 12th पास किए होंगे तो आप देखे होंगे कि आपके लैब में एक अटेंडेंट रहते हैं जो पूरा सब कुछ जितना भी उसमें मटेरियल आता है उनके जिम्मे रहता है कि कहां क्या रखा है, वो सब जानते रहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, टीचर और अटेंडेंट मिलकर ही आपके प्रैक्टिकल को कराते हैं। तो वही है आपका लैब अटेंडेंट, 373 पोस्ट है। पे मैट्रिक्स जो है वो यहां पर बेसिक पे आपका 18,000 से लेकर 56,900 तक जाएगा। अब इसमें अगर इनहैंड सैलरी की बात किया जाए तो आपके सैलरी जो होगी इनहैंड वो कितनी मिल सकती है, तो आपको 28,000 तक की सैलरी मिलेगी। अलाउंसेस अलाउंसेस जोड़ के 42% आपका इस 18,000 का लगेगा और लेके 27,000 आपकी सैलरी बनेगी। ठीक ठाक सैलरी भी है। अब हम बात करें कि एज लिमिट क्या है, कौन कौन, तो 30 साल तक जनरल का जो है बंदा कोई भी जो 30 साल तक है, मतलब 12वीं आपने पास कर लिया है, अपर एज दिया है, लोअर एज लिमिट आपका नहीं दिया गया है, तो 30 साल तक के बंदे जो हैं ये भर सकते हैं फॉर्म को। यहां पर एज कहां तक किस दिन का काउंट होगा, तो ये 31 जुलाई को ही काउंट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर हम बात करें एससी एसटी ओबीसी, इनको रिलैक्सेशन क्या मिलेगा, तो एससी एसटी को 5 साल को सेंटर में मिलता है और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एज में सेंटर में। बाकी आपका जो और जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको रिलैक्सेशन ये सब नोटिफिकेशन में दिया है, देख लीजिएगा। और ईएमआरएस का कोई एम्प्लॉय है तो उसको 55 साल अपर एज लिमिट है, ये ध्यान रखिए। आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, अगर आप 10वीं पास हैं तो 10 के साथ आपका कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में, तो ये ध्यान रखिए। ये ज्यादा होता नहीं है, बच्चे जान नहीं पाते, 10 तो सब लोग पास होते हैं लेकिन ये नहीं है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप क्या होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से, साइंस स्ट्रीम में कौन, या आपका पीसीबी या पीसीएम, यही आपके साइंस स्ट्रीम में आते हैं, बाकी नहीं आते। तो साइंस स्ट्रीम से आपका क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, तो वो बच्चे इस फॉर्म को बिना किसी सर्टिफिकेट के भर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग की एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न आपका रीजनिंग क्वेश्चन पूछेगा, 15 क्वेश्चन ही पूछेगा, 15 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस मतलब जीएस का पार्ट रहेगा, इसी में करंट अफेयर रहेगा, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। अब यहां पे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज आपका रहेगा 15-15 क्वेश्चन, मतलब इसका वेटेज ठीक ठाक है लैंग्वेज का, 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से रहेंगे। और फिर आपका जो ये स्पेसिफिक नॉलेज बोला है 60 क्वेश्चन, मतलब ये 60 क्वेश्चन आपका जो साइंस में जब आप क्लास 9 10th में पढ़ते हो
तो वहां पे आपका जो लैब का एक मैनुअल होता है जो आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है उसी के बेसिस पर आपके प्रश्न होंगे। कुछ बच्चे बोले सर इसका प्रीवियस ईयर मिल जाता तो अच्छा, पहली बार ये ईएमआरएस की वैकेंसी हो रही है ये ध्यान रखिएगा, तो इसका प्रीवियस ईयर आपको नहीं मिले। हाँ, आप इससे पहले जैसे मान लो एनवीएस है, केवीएस है, तो केवीएस में इस बार तो आया नहीं था, एनवीएस में लैब अटेंडेंट आया था तो उसका पेपर जो है उसमें जो था लेवल वो आठ, क्लास आठ तक के लेवल का था और इसमें आपको कहीं ना कहीं दस तक के प्रैक्टिकल लेवल आपसे पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर निगेटिव मार्किंग भी है, एक नंबर का एक क्वेश्चन है और निगेटिव पॉइंट 25 है। काफी बच्चे पूछ रहे थे कि निगेटिव है कि नहीं, निगेटिव है, साफ साफ यहां पर बोला गया है। सिलेबस क्या है आपका, तो रीजनिंग का सिलेबस देखो आपका पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट है, डेटा सफिशियंसी, बाकी और किसी एग्जाम में ऐसा प्रश्न जो आपके रीजनिंग का सिलेबस है ऐसा नहीं होता है, ये अच्छा खासा है, टफ, यहां से क्वेश्चन लेंदी और टफ क्वेश्चन बनते हैं ये ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका वर्बल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन ये आसान टॉपिक हो गया, सीरीज हो गया और आपका डिस्टेंस डायरेक्शन, एक यही आसान टॉपिक है, बाकी आपका इनइक्वालिटी भी इससे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वेन डायग्राम एक आसान टॉपिक है, एसर्शन रीजन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपका बस प्रैक्टिस पर ही ये चीजें हो पाती हैं, बाकी ये पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और डेटा सफिशियंसी अभी भी किसी एग्जाम में जनरली जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन ये ईएमआरएस में डाला गया है तो इसका लेबल ठीक ठाक आएगा प्रश्न का, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। अब हम आते हैं जनरल अवेयरनेस में, तो इसमें सिर्फ इतना बोल दिया कि जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर विथ स्पेशल इंफेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो भी प्रश्न आपका नॉलेज और करेंट अफेयर से स्टैटिक जीके एक तरह से यहां से पूछेगा, जो भी डेटा आपका स्टैटिक चीजें पूछेगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी की स्टैटिक चीजें आप पढ़ लीजिएगा, वो आपको नोट्स में पूरा यहां पर दिया जाएगा, एक एक चीज जो आपसे क्वेश्चन बनेगा जहां से बनेगा जैसे बनेगा आपके सिलेबस में जो दिया गया है वैसे ही यहां पर पूरा नोट्स आपका लगाया गया है, उससे आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न यहां से छूटेगा नहीं इस पे। ठीक है, हिंदी में आपका एकदम जनरल सा है, हिंदी आपका बहुत ही आसान है, संधि समास विलोम शब्द परिवाची सामान्य शुद्धियां वाक्यांशों के लिए एक शब्द मुहावरे अपठित गद्यांश और पर आधारित प्रश्न होंगे, तो बहुत ही छोटा सिलेबस है हिंदी का, विद इन ये पढ़ोगे ना तो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बस ऐसा सिलेबस है। इंग्लिश में आपका ठीक ठाक है, वर्ब है, टेंस है, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन है, सब कुछ है जो आपका एक एसएससी में आता है ना वो सब कुछ यहां पर है, अरेंजमेंट अनसीन पैसेज भी है आपका, वोकैब्स पार्ट भी है, तो वोकैब्स की रेगुलर बेसिस पर हमारे यहां क्लासेस चलती हैं, सुबह 10:30 आपकी वोकैब्स की क्लास चलती है, स्टैटिक जीके की क्लास यूट्यूब पे हमेशा चलती है, तो ये स्टैटिक जीके आप वहां से आप रेगुलर अगर क्लास कर रहे हो और वोकैब्स कर रहे हो तो कुछ चीजें तो आपको वहीं से तैयार हो जाएंगी, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंटोनियम, सिनोनिम्स, ग्रामर, एडियम, फ्रेजेस, अब ग्रामर लिख दिया तो पूरा ग्रामर में एक बार आपको ओवरव्यू जाना पड़ेगा, बहुत डीप में नहीं जाना पड़ेगा, बाकी जो टॉपिक दिया इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे ओवरऑल। ठीक है, 15 ही क्वेश्चन पूछना है आपसे तो बहुत ज्यादा आपको डीप नहीं जाना है ग्रामर में, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपके जो स्पेसिफिक नॉलेज है जो आपका आएगा 60 प्रश्न 16 क्वेश्चन जो जहां से यहां से आएगा उनमें आपको क्या बोला ना, नॉलेज ऑफ लैब वर्क और लैब इक्विपमेंट, मतलब जो भी आप लैब में जाते हो, केमिस्ट्री का हो गया, चाहे फिजिक्स का हो गया, चाहे बायोलॉजी का, जब आप प्रैक्टिकल करते थे तो जो भी इक्विपमेंट आपको लगेगा, जो भी आपको केमिकल पे आप करते थे वो सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, आपको क्या क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल यूज करना है, जैसे आप लोग कभी लैब अपना मैनुअल बनाए होंगे जो आपका फाइल बनता था तो उसमें लिखा जाता था कि आप इक्विपमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, आपका एम क्या है, उसके बाद से सेफ्टी पर्पज आप ग्लव्स यूज कर रहे हैं, अपैरल पहन लें कि कपड़ा ना आपका खराब हो, तो ये सब चीजें होता है, तो वही बोला है सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉर लैब जो ऑफ लैब होना चाहिए, साइंटिफिक नेम ऑफ केमिकल्स के जो नाम होते हैं उसके साइंटिफिक नाम आपका होना याद होना चाहिए, एंड इक्विपमेंट नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ कॉमनली यूज इन लैब, अलग अलग प्रकार के टेक्निक्स यूज किए जाते हैं लैब में, ठीक है, तो वो सब आपको आने चाहिए, टेक्निक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायोलॉजी एक्सेट्रा, सबके
जो भी आपके एक्सपेरिमेंट है उनमें जो टेक्निक यूज किए जाते हैं उसका नाम, उससे क्या होता है, ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। तो ये 60 प्रश्न आएंगे और इसका पूरा का पूरा जो आपका लैब मैनुअल है उसी के बेसिस पर हम लोग ये आपको पढ़ाएंगे, एकदम पूरा एनसीईआरटी के बेस पर जो लैब मैनुअल दिया जाता है, जो आपका प्रैक्टिकल अप्रोच होता है उसी तरह से इसकी क्लासेस चलेंगे। आपको बता भी दिया जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, टीचर्स आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कि ये इक्विपमेंट है तो चाहे जो भी केमिकल है तो उनसे प्रश्न कैसे पूछ सकता है। जैसे एनवीएस में कई चीजें ऐसे पूछा था कि अगर कंघी ले लेते हो, बाल में रगड़ते हो तो उसमें कौन सा चार्ज एक्वायर्ड होता है, तो ये एक प्रैक्टिकली भी चीजें होती हैं। तो ये चीजें आपको बताया जाएगा जब क्लासेस आपकी चलेंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहा। तो जो बच्चे इच्छुक हैं मैं फिर से ही बता दे रहा हूं, क्लासेस आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। जो लोग लैब अटेंडेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं एक अच्छी टीम के साथ, तो आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां से कोर्सेज में जाइएगा, वहां पर लैब अटेंडेंट ऑफर में चल रहा है, 80% ऑफ चल रहा है। 699 में पूरा फुल बैच है जिसमें आपको वीडियो क्लास और प्रॉपर नोट्स दिया जाएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9450006007 और 9129769780, इन पर कांटेक्ट करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं, कोई दिक्कत आ रही है कोर्स से रिलेटेड। तो अगर और कोई दिक्कत समस्या है आपको एलिजिबिलिटी या सैलरी चाहे किसी से वर्क प्रोफाइल से, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।